नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टेक्निकल मस्ती चैनल में। यहाँ पर हम करते हैं सभी प्रकार के मोबाइल फोन के अनबॉक्सिंग प्लस कंपैरिजन। दोस्तों, अगर आप 4 से 4.5 हजार रुपए तक की प्राइस रेंज में मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके जरूर काम आएगा। आज मैं लेके आया हूँ आईटेल A25 और रेडमी गो, दोनों मोबाइल 4 से 4.5 हजार रुपए की कीमत में आपको मिलते हैं और दोनों में आपको मिलती है 1 GB रैम, 16 GB का इंटरनल स्टोरेज। दोनों मोबाइल आते हैं कुछ ऐसी पैकिंग के साथ। आईटेल A25 में आपको मोबाइल का डिजाइन बॉक्स में देखने को मिल जाता है, रेडमी गो में आपको कोई भी मोबाइल का डिजाइन नहीं दिया गया है। दोनों मोबाइल के बैक साइड में आपको मिलते हैं हेडलाइन फीचर्स, जिन्हें मैं वीडियो में आपको आगे बताता रहूंगा। तो जल्दी से कर लेते हैं दोनों मोबाइल के बॉक्स को ओपन और सबसे पहले नजर डालेंगे कॉन्टेंट में हमें क्या क्या दिया गया है। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए यहां पर लाता रहता हूं। दोनों मोबाइल के बॉक्स हो गए हैं ओपन, सबसे पहले नजर डालते हैं आईटेल A25 में। तो सबसे ऊपर हमें मिलता है स्मार्टफोन, फिलहाल के लिए इसे रख लेते हैं साइड में। इसके बाद वारंटी कार्ड, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और यह है इसके साथ मिलने वाली बैटरी 4020 mAh की ये बैटरी है। कुछ ऐसी आपको इसके साथ बैटरी मिलती है। इसके बाद आपको मिलता है एक चार्जर अडेप्टर और इसकी आउटपुट रेटिंग हमें मिलती है 5V 1A की। USB केबल आपको Micro to USB केबल इसके साथ मिलती है। और आप नजर डालते हैं Redmi Go में तो सबसे ऊपर स्मार्टफोन मिलता है और इसके बाद आता है एक मिनी बॉक्स जिसके अंदर हमें मिलती है एक सिम इजेक्टर पिन, क्विक स्टार्ट गाइड, यूजर मैनुअल और साथ ही इसमें आपको मिल जाता है एक चार्जर अडेप्टर और USB केबल। तो इसमें भी आपको मिलता है 5V 1A का चार्जर जो कुछ ऐसा आपको इसके साथ दिया गया है और इसमें भी आपको Micro to USB केबल दी गई है और इसमें आपको बैटरी मिलती है 3000 mAh की। ये है दोनों स्मार्टफोन। फ्रंट साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। दोनों स्मार्टफोन का साइज में डिफरेंट हम देख सकते हैं। Redmi Go थोड़ा छोटा है आईटेल A25 से, तो डिस्प्ले साइज दोनों मोबाइल का बिल्कुल एक जैसा हमें देखने को मिलता है। आईटेल A25 पे आपको एक नॉर्मल स्क्रीन गार्ड ऑलरेडी लगा हुआ मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के बैक साइड का लुक कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। आईटेल A25 में आपको काफी अच्छी ग्लोसी फिनिश देखने को मिल जाती है, Redmi Go में आपको मैट फिनिश बैक पैनल में दी गई है। इसे हम हटा लेते हैं ताकि और अच्छे से हमें बैक पैनल देखने को मिले। तो ये देखिए दोनों मोबाइल का बैक पैनल कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है। दोनों मोबाइल में आपको प्लास्टिक बॉडी दी गई है और दोनों मोबाइल का बैक साइड कर भी आपको देखने को मिलता है। आईटेल A25 में आपको राइट साइड में मिलती है पावर ऑन की और वॉल्यूम रॉकर्स एक साथ। ऊपर की साइड आपको चार्जिंग जैक और 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। लेफ्ट में आपको कुछ नहीं मिलता है, बॉटम में आपको मिलता है प्राइमरी माइक। और इसके कवर को हम ओपन कर सकते हैं तो कर लेते हैं ओपन। और ये देखिए यहाँ पर हमने बैटरी को करना है इंसर्ट। अंदर हमें 2 SIM कार्ड स्लॉट और 1 मेमोरी कार्ड स्लॉट दिया गया है। इसमें हम 32 GB तक का मेमोरी कार्ड यूज कर सकते हैं। मोबाइल के बैक साइड में हमें आईटेल की ब्रांडिंग देखने को मिलती है और रियर में आपको मिलता है 5 MP का AI कैमरा विद LED फ्लैश लाइट। फ्रंट में आपको 2 MP का कैमरा दिया गया है, साथ ही आपको फ्लैश लाइट भी फ्रंट में मिल जाती है। वहीं नजर डालें Redmi Go में तो इसमें भी आपको राइट साइड में पावर ऑन की, वॉल्यूम की एक साथ मिल जाती हैं। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक दिया गया है, साथ ही 3.5 mm का ऑडियो जैक। लेफ्ट साइड आपको 2 SIM ट्रे मिलती है जिसमें आप एक सिम कार्ड और दूसरी ट्रे में एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बॉटम में आपको प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक और स्पीकर ग्रिल दिया गया है। मोबाइल के बैक साइड MI की ब्रांडिंग और रियर में आपको मिलता है 8 MP का रियर कैमरा विद LED फ्लैश लाइट और फ्रंट में आपको मिलता है 5 MP का सेल्फी कैमरा। तो इसमें आपको सेल्फी कैमरा के साथ LED फ्लैश लाइट नहीं दिया गया है। दोनों मोबाइल की पावर को ऑन कर दिया है, ब्राइटनेस दोनों की फुल कर दी है। यहाँ पर हमें नेविगेशन की स्क्रीन के बाहर बॉटम में यहाँ पर दी गई है। दोनों मोबाइल में आइकन आप देख सकते हैं कुछ ऐसे हमें देखने को मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन में। यूजर इंटरफेस देखें तो आईटेल A25 में आपको होम स्क्रीन में राइट साइड में स्क्रॉल करने पर सारे के सारी ऐप देखने को मिल जाती है।
फेसबुक और व्हाट्सएप जैसी ऐप आपको इसमें प्री इंस्टॉल मिल जाती है। बाकी यहाँ पर देखें तो इसमें आपको ओपरा न्यूज और ओपरा मिनी जैसी ऐप भी प्री इंस्टॉल दी गई है। वहीं नजर डालें रेडमी गो में तो इसमें आप स्क्रॉल अप करते हैं तो यहाँ पर आपको सारी की सारी ऐप देखने को मिल जाती है। फेसबुक लाइट जैसी ऐप आपको इसमें भी प्री इंस्टॉल दी गई है। दोनों मोबाइल में कुछ ऐप आपको प्री इंस्टॉल दी गई है जिन्हें आप अगर नहीं चाहते हैं तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों मोबाइल के डिस्प्ले साइज की, तो दोनों मोबाइल में हमें 5 इंच की HD डिस्प्ले मिलती है और दोनों में आपको IPS LCD पैनल भी दिया गया है। स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1280 पिक्सल का दिया गया है। पिक्सल डेंसिटी दोनों मोबाइल में आपको 294 PPI की मिलती है और दोनों मोबाइल में आपको 1GB रैम 16GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। तो सेटिंग में हम चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले ITEL A25 की हम सेटिंग में चले जाते हैं। सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन दिया गया है तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिस्प्ले साइज 5 इंच की है और बैटरी आपको इसमें 3020 mAh की मिलती है। फ्रंट में आपको मिलता है 2 MP, रियर में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है। प्रोसेसर आपको मिलता है इसमें 1.4 GHz का क्वाड कोर। बाकी अबाउट फोन सेक्शन में देखें तो यहाँ पर आपको IMEI नंबर दिए गए हैं। एंड्रॉइड वर्जन आपको इसमें मिलता है Android 9 Pie। वहीं नजर डालते हैं Redmi Go की सेटिंग में, तो इसमें भी हम सेटिंग में चले जाते हैं और सेटिंग में सबसे ऊपर हमें अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है और इसमें हमें एंड्रॉइड वर्जन मिलता है 8.1.0 ओरियो का। एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल 1 मई 2019 का दिया गया है। बाकी इसमें भी आपको 1.4 GHz का क्वाड कोर प्रोसेसर मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 425 चिपसेट के साथ। और ये है दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा। एवरेज कैमरा आपको मिलते हैं दोनों स्मार्टफोन में। प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे कैमरा आपको दोनों मोबाइल के मिल जाते हैं, तो दोनों मोबाइल में आपको कैमरा में डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। Redmi Go में कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता है जबकि थोड़ा लाइटिंग आपको ज्यादा देखने को मिलती है ITEL A25 के रियर कैमरा में। और ये है दोनों मोबाइल के फ्रंट सेल्फी कैमरा से ली गई सेल्फी, कुछ ऐसी हमें देखने को मिलती है। ITEL A25 का 2 MP का सेल्फी कैमरा भी आपको काफी अच्छा मिल जाता है। बाकी आपको ITEL A25 में फेस अनलॉक का ऑप्शन भी दिया गया है। बाकी फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा मोबाइल आपको ज्यादा बेस्ट लगा, कौन सा मोबाइल आप खरीदना चाहोगे। 4000 रुपए की प्राइस रेंज में आपको ITEL A25 मिलता है और 500 रुपए ऊपर खर्च करने पे आपको मिलता है Redmi Go। दोनों मोबाइल काफी अच्छे हैं, दोनों मोबाइल का टच काफी स्मूथ वर्क कर रहा है। और अगर आपने दोनों में से कोई भी मोबाइल परचेस किया हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या क्या अच्छाइयां क्या क्या बुराइयां मोबाइल के बारे में कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे हमारे अन्य व्यूअर्स को भी कुछ ना कुछ मदद मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।